उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की टांडा तहसील क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। खनन माफियाओं के हाथ अधिकारी और नेताओं में खुलेआम दिखाई पड़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टांडा से केपी सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केपी सिंह, क्या है ये पूरा मामला जो सरेआम अवैध खनन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रामपुर के टांडा तहसील क्षेत्र चलता है और ये दलियाल उत्तराखंड से अटैच है। दलियाल काशी उत्तराखंड से मिला हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने में, बहुत बड़े पैमाने में खनन होता है। एक तरफ कहीं मट्टी का खनन चल रहा है तो एक तरफ रेत का खनन चल रहा है। और ये टांडा राजपुर नेशनल हाईवे है, इस पर वाहन निकलते हैं। यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से खनन माफियों के हौसले बुलंद है। खनन माफिया अपनी मनमानी कर रहे हैं और दबंगाई के साथ दिन में भी टांडा ये टांडा राजपुर रोड पर ही खाना है। उसके सामने से टांडा के पास में ही आवास है, तहसील आवास है, उसके सामने की नाक के सामने वो गाड़ी निकलती है। कैपी सिंह, अगर आपने वही एसडीएम से बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले को लेकर? सर, मैं बताना चाहूंगा, एक दिन रास्ते में मिला और इन्होंने दो ट्रक पकड़े थे। एक ट्रक त्रिवेणी चीनी मिल में खड़ा करा था, एक ट्रक खनन मात्र से छोड़ा गया। वही कैपी सिंह, अगर आपने डीएम महोदय से ये शिकायत की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे अवैध खनन को लेकर? हाँ, मैंने डीएम साहब को बताया था। सर, मैं एजेंट साहब के पास ध्यान लेने गया था और मेरे साथ अभिषेक बस्तनी भी है, तो डीएम साहब ने कहा कि मैं देख लूंगा। शुक्रिया कैपी सिंह तमाम जानकारी साझा करने।